जीएस ब्लॉग के नाम थैंक यू। सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल जी। तो कल रात हम आ चुके थे बद्रीनाथ में और आज हम जा रहे हैं माना गाँव में। माना गाँव यहाँ से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर सफ़ है, मतलब कि जो बोर्ड लगा हुआ है माना विलेज का, और उसके आगे जो चाय की दुकान है वो 2 किलोमीटर और आगे है। तो वहाँ पे तो हमें पैदल जाना पड़ेगा, तो अभी हम चल रहे हैं वहीं पे। और सबसे पहले कुछ नाश्ता कर लें यार, वो ढाबा है और ये टेंट था जहाँ पे हम रुके थे रात को। अंदर से वैसे मैंने दिखा दिया, फिर भी आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे इधर वॉशरूम है और ये बेड लगे हुए थे, प्लग वगैरह भी साथ में थे, हमने पावर बैंक वगैरह सब चार्ज कर ली। तो और ये हमें मिला था सिर्फ 600 रुपये में 3 बंदों का, हैप्पी भाई और मैं और ये अपना जो हरिद्वार वाला भाई है, तो 3 बंदों का 600 रुपये में मिल गया था। तो बढ़िया था यार, ठंड बहुत हो चुकी है वैसे भी यहाँ पे, रात को भी ठंड लग रही थी लेकिन टेंट में फिर भी ठीक था क्योंकि टेम्परेचर अभी ना 11 का टेम्परेचर है यहाँ पे। और सामने आप बादल देख रहे होगे कैसे उड़ रहे हैं, ये देखिए। और ये हमारा साइकिल लगा हुआ है यहाँ पर। टेंट वैसे बढ़िया बने हुए हैं यार अंदर से रहने के लिए ना, आप भी कभी भी आओ, और सस्ते भी हैं। अभी सामान वगैरह करेंगे, यहाँ सामान यहीं पे छोड़ देंगे, एक बार माना होके आ जाएंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर है बस। और यहाँ पे सभी अपना खाना बना रहे हैं। आप सभी गुजरात से आए हो? सभी गुजरात से। अच्छा, गुजरात से आए हो, और आप भी बद्रीनाथ के दर्शन हो गए आपके? अभी तो हम थोड़े हो, हम तो किशन वाले हैं, अभी हम हमारे साथ में है ना। अच्छा, अच्छा जी, टाइम मिलेगा ना। कितने लोग हो आप? 50 आदमी। अच्छा, और जो साथ में आए हैं आपके? 60 लोग। तो आप उनके लिए खाना बना रहे हो? इसके लिए। तो अभी हम भी यहाँ से खाना खाते हैं। अरे आ जाओ आ जाओ, 500 रुपये चार्ज लगता है। तो यहाँ पे भैया के पास ही हम वहाँ पे रुके थे, इनका ही टेंट है मतलब की। तो भैया भी खाना बना रहे हैं हमारे लिए, 2 आलू के परांठे और चाय। और ये भाई सुबह ही आ गया है। हाँ भाई, हाँ बढ़िया, पैर का दर्द ठीक है? ठीक नहीं है, चल कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। भैया जी अपना खाना रेडी कर रहे हैं अभी। आप कहाँ से भैया? कहाँ से? नंद प्रयाग घाटी से। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे मतलब कब से हो यहाँ पे? 4-5 महीने। तो अभी खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं माना गांव में, और बद्रीनाथ से लेकर यहाँ पर माना तक बिल्कुल प्लेन रास्ता है, साइकिल पर भी हो तो बिल्कुल भी जोर नहीं लगने वाला। और वो बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में आपको शायद दिख रहा होगा, तो वहाँ पे माना गांव है भाई। वो यार मौसम तो आप देख ही रहे हो, माना में हमेशा ही बढ़िया रहता है यहाँ पे तो। तो अभी मुझे माना गांव का जो लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, लास्ट इंडियन विलेज, तो वो यहाँ से दिख रहा है। बहुत दिनों बाद यार माना गांव हम पहुंच चुके हैं। सोचा नहीं था मैंने यार कि साइकिल पे आऊंगा लास्ट विलेज पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माना गांव में, लास्ट इंडियन विलेज, सीमांत ग्राम माना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माना गांव में, हमारे हैप्पी भाई भी। तो भाई यहाँ पे हमारा आने का मतलब कि लास्ट जो था
यहाँ तक आना था, और वो भाई हमारा हरिद्वार से। तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी यहाँ से ना 2 किलोमीटर दूर है जो लास्ट, मतलब कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है जो चाय है, लास्ट चाय की दुकान है। तो अभी हम चलेंगे, सामान ना यार उस भाई के पास रख दिया मैंने, वो वहाँ पे अंदर रख दिया, थैंक यू भाई। तो अभी वहाँ पे जाके आकर के हम सामान ले लेंगे। तो अभी पहले और पहले यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वोटो करवा लें यार, बड़े दिनों से मतलब कि हमारा बहुत बड़ा मतलब सपना था कि साइकिल पे यहाँ पे आएँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो भाई भी अपने साथ आ गए, देखो कैसे मुँह से जाके खड़ा है। आज अभी हम शाम को पहुँचे हैं 5:30 बजे। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, नेपाल की सीरीज में। नेपाल की सीरीज भी जल्दी आएगी, हमारी सीरीज यहाँ पे एंड होगी। और लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगा हमारा तीनों का व्लॉग, और हमारा एक साथ रहना है आपको कैसा लगा। चला ली कोई नहीं, वेलकम, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जिसोर मतलब बढ़िया, बहुत अच्छा। जिसोर आप कहाँ से हो? मैं शेखावाटी, राजस्थान। राजस्थान से आए हो आप? जयपुर से। चलो तो चलो अब हम पीने चलते हैं चाय। ओके भाई। हाँ जी, व्लॉग व्लॉग अभी बनाऊंगा, हाँ डालूंगा ना 3-4 दिन बाद। हाँ हाँ, यही है यही है यही है। और माना गांव में झरना, काफी खतरनाक है। तो यहाँ पे साइकिल हमने लगा दी है, क्योंकि यार आगे ना साइकिल नहीं जाएंगे, सीढ़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो पैदल जाना पड़ेगा हमें। मौसम तो आपको पता लग ही रहा होगा कितना अच्छा हो रखा है, और ठंडा भी हो रखा है। और ये अभी हम मार्केट में आ चुके हैं, ये सारी मार्केट है कपड़े वगैरह की, कैप वगैरह, मोटे कपड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ पे ना ठंड है। और सर क्या हाल है? ठीक है, फर्स्ट क्लास। हां करे करे, हां बड़ा। तो ऐसे यहां पे सीढ़ियां हैं बड़ी बड़ी, यहां पे यार साइकिल लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और वो सामने मौसम देखिए, भैया चाय की दुकान आ गया लास्ट वाली? नहीं अभी ऊपर है, ऊपर है ना आगे। ठीक है, यहाँ पे ना हर दीवार पे यार पेंटिंग बनी हुई है काफ़ी अच्छी अच्छी, अभी आपको आके भी दिखा दूँ जैसे ये रही। और ये देखिए, और ये देखिए ये कितनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। ये भी रास्ता नीचे, हाँ ये भी नीचे। और अंकल जी क्या हाल है जी, बढ़िया हो? चंगे चलो बढ़िया जी। तो अभी वहां सामने जाके भीम पुल आएगा, उसके आगे फिर जो चाय की दुकान है। और ये देखिए रास्ता कैसा बना हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए यार पानी कितना तेज, और कहाँ से आ रहा है पत्थरों के बीच में से। Ah!
ठंडी हवा चल रही है यार। आप ये पानी देखिए कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, वो वहाँ से होता हुआ। पता नहीं पत्थरों के बीच में से कहाँ से मतलब कि आ रहा है, कुछ नहीं पता इसका। पीछे से पहाड़ से गई और ये यहाँ पे एक जय बद्री विशाल मंदिर बन रहा है, माँ श्री सरस्वती मंदिर। थैंक यू जी, थैंक यू। होर भाई कितों तुम? नैनीताल। ठीक है जी, पंजाब मोगा। हाँ जी, हाँ जी, जे एस व्लॉग, जे एस व्लॉग। धन्यवाद जी, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए यार कितना मस्त नज़ारा, मतलब बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। वो देखिए यहाँ से पानी होता हुआ, पानी ना नीचे है थोड़ा, दिख नहीं रहा अभी, तो यहाँ से होते होते यहाँ पे चला जाता पानी। देखिए कितनी तेज़ है और सामने का नज़ारा। और वहाँ से अभी हम आ रहे थे, अभी आगे जाएंगे जहाँ पे लास्ट चाय की दुकान है। वैसे तो सब पे यही लिख रखा है, अंतिम चाय की दुकान। तो ये है भीम पुल, मतलब वहाँ पे देखिए बस छोटा सा पत्थर है और इसके नीचे ये बड़ा पत्थर, इसके ऊपर पुल बना हुआ है, ये भीम पुल है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लास्ट गांव की लास्ट चाय की दुकान पर। और भाई कैसे हो, बढ़िया हो? इसके आगे भी कुछ है क्या? ये लास्ट है बस दुकान? दुकान ये लास्ट है। अच्छा, दुकान इसके आगे कुछ नहीं है? वासुधारा, वो तो काफ़ी आगे ना अभी। हाँ, और बढ़िया सब। आप कहाँ से हो? हम आंध्रा से। आंध्रा, अच्छा, तो माना के लिए आए थे या फिर कहीं और भी? बद्रीनाथ दर्शन करके। अच्छा, बद्रीनाथ, ठीक है ठीक है। वासुधारा भी गए हो? जाए कि कैसा, मतलब चढ़ाई वगैरह कैसी है वहाँ पे? चढ़ाई कितनी है? चढ़ाई है, है? तीन घंटा लगा इधर। तीन घंटा लगा और अब वापस आने में तो दो घंटा लगा होगा, डेढ़ दो घंटा, डेढ़ घंटा। हाँ, यहीं से वासुधारा का रास्ता। तो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं इंडियाज लास्ट शॉप, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। चाय की नहीं, मतलब ये सब चीज़ की दुकान है, मेरा भारत महान हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। और यहाँ पे और भैया बढ़िया हो? बहुत ही बढ़िया है भैया। 13 दिन लग गए आपके पास पहुँचते, हम साइकिल से आए हैं पंजाब से। पंजाब से आए? हाँ जी, पंजाब से साइकिल से। मान साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अभी। आप बताइए, बढ़िया हो? हम तो बहुत बढ़िया हैं जी। तो भैया हमारे लिए वो 3 मैगी और चाय आप लगा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बना दीजिए। तो यहाँ पे मैगी और चाय पियेंगे यार, और भी लोग आ रखे हैं यहाँ पे। और भैया आप कैसे हो? बढ़िया, आप यहीं पे होते हो? दुकान में ही? चलो बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे आके ना। तो चलो अभी ऑर्डर भी, हैप्पी भाई का तो आ गया है और हमारा अभी आ जाएगा ऑर्डर। तो उसके बाद चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं और उसके बाद वापस चलेंगे। और यहाँ पे यार मौसम दिखाते हैं अभी आपको, याद रखे तुम। ये देखिए आप लोग जा रहे हो ऊपर? नहीं आज नहीं जा रहे, कल। ये रास्ता जाता है आगे वासुधारा की तरफ। वासुधारा मतलब बोलते हैं कि अलकनंदा जो रिवर है वो वहीं से स्टार्ट होती है, मतलब उसे वासुधारा, वो झरना है बहुत बड़ा, तो वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन हम वहाँ पे शायद ही जाएँ, शायद नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा ऑर्डर बन रहा है, तब तक हम थोड़ा आगे भी देखते हैं। तो हमारी मैगी आ चुकी है और चाय अभी भाई लेके आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे लास्ट इंडिया की दुकान पे चाय पी रहे हैं और ये सब भी हमारे साथ ही आए हैं गुजरात से, जो आ रखे हैं राजस्थान से, राजस्थान से आ रखे हैं, जयपुर से। हेलो, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है।
हेलो हाय ठंडी हाँ ठंडी यहाँ पे बहुत हो रखी है भाई में, दुआ भी बहुत हिम्मत है साइकिल से आ गए अब तो गाड़ी से आने में हाथ खराब हो गई बहुत बढ़िया लग रहा है थैंक यू साइकिल हाँ सभी ने साइकिल चला के देखी थी ये हिंदुस्तान की आखिरी दुकान अगली मोड़ पे चीन की पहली दुकान आएगी उसमें भैया अपनी नहीं फिर नया व्लॉग स्टार्ट हाँ बिल्कुल कभी गए तो चाइना में जरूर पिएंगे वो एक ही पड़ेगा ना नेपाल और चीन दोनों तो चलो व्लॉग के नाम थैंक यू तो अभी आपको मिलेंगे फिर नई वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में तो हाँ जी लाइक ठोको सब्सक्राइब ठोको थैंक यू जितने भर सकते हो भरो और कोने में घंटी का वजन है उसे बजा दो थैंक यू तो मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपना साथ ऐसे देते रहिए ताकि आपके लिए नए नए व्लॉग लाते रहें तो चलो बाय बाय टेक केयर मिलेंगे नेक्स्ट